से लड़ने के लिए पहले उस लेवल पर पहुंचे और फिर बात करें, क्योंकि मैं विधायक केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं हूं, भरमौर की जनता का विधायक हूं। क्या किया है क्या नहीं किया है ये भरमौर की जनता जानती है, और आज भी आप क्या कर रहे हैं ये भी भरमौर की जनता जानती है। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का रोल नहीं होता, अभी बच्चे हैं, अभी शांत रहिए, अभी उस लेवल पे आ जाइए कि जब हम पे टिप्पणी करने के काबिल बनिए। सब जानते हैं, भरमौर की पूरी जनता जानती है, पूरा हिमाचल जानता है, पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है उनको, जिनके आप विषय में बात कर रहे हैं। पूरी बोला हम तो, हम क्या बोले, भरमौर की जनता जानती है। और जो कहते हैं कि हमारे बिजनेस है, कौन सी बिजनेस है बताएं ना, बिजनेस यही है ना कि भरमौर से तेल जो वो पांगी पेट्रोल पंप भरमौर से जाएगा, मनाली से नहीं ले जाएगा, यही बिजनेस है। अभी तो शुरुआत है, हम तो केवल ये कहते हैं कि हमसे लड़ने के लिए पहले उस लेवल पर पहुंचे और फिर बात करें, क्योंकि मैं विधायक केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं हूं, भरमौर की जनता का विधायक हूं, और इस नाते मैं आप लोगों का भी विधायक हूं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के नेताओं के परिवार के लोग हैं, उन्हीं का भी विधायक मैं ही हूं। तो किसी गलतफहमी का शिकार ना रहे, क्योंकि क्या किया है क्या नहीं किया है ये भरमौर की जनता जानती है, और आज भी आप क्या कर रहे हैं ये भी भरमौर की जनता जानती है। तो भरमौर की जनता अब पिता पुत्र तंत्र से मुक्त हो चुकी है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भरमौर की जनता के भीतर हम भय को समाप्त करें, और लोकतंत्र की स्थापना जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र में हुई है, और उस लोकतांत्रिक तरीके से ही आगामी जो भी प्रतिनिधि हैं। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का रोल नहीं होता, अभी बच्चे हैं, अभी शांत रहिए, अभी उस लेवल पे आ जाइए कि जब हम पे टिप्पणी करने के काबिल बनिए कि मैं तो जनसेवा करना चाहता हूँ, और आप प्रेस वाले गाहे बगाहे आप लोगों ने कितनी बार अपना या अपने किसी परिवार के सदस्य का, अगर आप हमसे कोई चिकित्सीय परामर्श चाहते हैं तो क्या मैं मना कर दूँ लोगों को? अब जब मैं कहीं भी जाता हूँ, जब लोग पहचान लेते हैं, लोग अपनी रिपोर्टें लेके पहुंच जाते हैं, तो मैं उनको क्या बोलूं कि नहीं मैं अब विधायक हूं, मैंने नहीं देखा तुम्हें। ईश्वर ने मुझे, अगर मेरे पास कोई काबिलियत है तो उसका मैं अगर लोगों के लिए सदुपयोग कर रहा हूं, हाँ मैं लोगों से उसके लिए बदले में पैसे मांग रहा हूं, या मैं तुष्टिकरण कर रहा हूं कि केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देख रहा हूं, बाकियों की मदद नहीं कर रहा, तो आप मुझे कहें कि मैं राजनीति से प्रेरित काम कर रहा हूं। मुझे तो पठानकोट का बस स्टैंड पे भी व्यक्ति मिलेगा, मैं उसकी भी मदद करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये चीज दी है, तो मैं अपने स्किल को यूं जाया नहीं जाने दूंगा। और दूसरी बात, मेरा मकसद केवल एक है, लोगों की सेवा करना, वो चाहे मैं डॉक्टर के रूप में भी कर रहा हूँ, विधायक के रूप में भी कर रहा हूँ, ना कि मेरा मकसद भ्रष्टाचार करना है और प्रताड़ित करना है, लोगों को डराना धमकाना। एक भी व्यक्ति हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा भूल जाए कि हमने किसी को डराया, हमने किसी को धमकाया, और वो क्या कर रहे हैं वो पूरा इलाका जाना। कुछ कर्मचारी जो है वो जनहित को नकार कर व्यक्ति विशेष के हितों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं खुद अधिकारी वर्ग से आया हूँ राजनीति में, तो मुझे कहते हुए बहुत दुख लगता है कि इस मानसिकता पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, तो मैं क्लियर कट ये कह देता हूँ कि समय रहते सुधर जाएं, आप जनहित का काम करें, इसलिए लोगों हिमाचल की जनता आपको तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह आपको कोई पार्टी नहीं दे रही, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा, हिमाचल की जनता ये अपने टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह दे रही है, तो आप केवल और केवल जनहित में काम करें, और किसी तरह की कोई शिकायत मिलने पर मैं उन्हीं के भीतर में से राजनीति में आया हूँ, तो मुझे उनके सिस्टम की हर चीज़ की जानकारी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो है वो कड़ा रुख अख्तियार करना पड़े। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि शालीनता से, क्योंकि हमारे ये संस्कारों में नहीं है कि किसी को डराना धमकाना गाली गलौज करना,
परंतु अगर इस भाषा को समझते होंगे लोग तो इस भाषा शैली के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा।